this is a magic wallet, I told you. Card of delegate ki centrally protected site hai. Mere pehle to lad rahi thi na. गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज है हमारा सेकेंड डे एट गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल. एंड मॉर्निंग में उठते ही मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि वही ना पूरा दिन आज पैक था अलग अलग एक्टिविटीज़. सुनो वॉइस डालोगी ना, वांटेड टू वेस्ट मच टाइम. तो मैंने उठते ही सबसे पहले ये काम किया कि ये एक काम फ्री हो जाए और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह अपनी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम आ गए हमारे ब्रेकफास्ट के लिए. और ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो वो मैं डेली डेली तो क्या दिखाऊं आपको, बट मैं क्या ले रही हूँ मेरी प्लेट में वो दिखा देती हूँ. मैंने छोले ली थी, पूरी ली थी, देन फ्रूट्स आर माय फेवरेट, तो वो लिया, जूस लिया, एंड देन आई एम टेकिंग पोहा. ये लिया था मैंने फर्स्ट बार में. अब मैंने सेकेंड बार में भी चीज़ें ली थी, वो भी मतलब मैंने सेकेंड बार में क्या लिया था, फ्रूट्स लिए थे एंड लिया था सांभर वड़ा. यस, बिकॉज सांभर वड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था. और परांठे वगैरह ये सब चीज़ें भी थी, बट मैंने नहीं लिया परांठा इन ऑल. Hey guys, very good morning and welcome back to my vlog that is Kiran Rathore Vlogs. और आज है हमारा second day गांधी सागर में. और अभी just हम breakfast करके आए हैं. और उसके अलावा मुझे कुछ shoot करना था इस dress का, और एक और dress थी जो मैंने breakfast में पहनी थी, उसका shoot करना था, that I am done with. अभी ऋतुराज just नहा के गए हैं, मैं morning में ही जल्दी नहा ली थी. मैंने कहा क्योंकि बहुत late हो जाएंगे बाद में, तो पहले यही काम करो, नहाना धोना complete. तो वो सब हो गया था, breakfast आने के बाद shoot कर लिया है. और अभी कॉल आ गया था जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका, कि हमें रॉक आर्ट के लिए लेके जाएंगे, तो जस्ट जिप्सी वगैरह वेट कर रही है. तो ऋतुराज नहा ले, सपना और कुलदीप जी आ जाएं और फिर हम निकलेंगे वहाँ के लिए. और एक चीज़ दिखाती हूँ, उन्होंने अभी हैंडओवर की है, उसमें आई कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी, तो एक बैग टाइप है, तो फोल्डर टाइप आई वुड से, तो वो मैं आपको शो करती हूँ कि उसमें क्या क्या है. मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा, आपके साथ ही मैं अभी देखने वाली हूँ. तो ये है वो फोल्डर जो अभी अभी देखे गए हैं. वेलक्रो बहुत टाइट है इसका. और इसमें इसमें क्या क्या है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको. एक तो ये है, पूरा बुकलेट है. ओके, पूरा दे रखा है इसमें सारी डिटेल्स एंड एवरीथिंग क्या है यहाँ पे. उसके अलावा दिस इज़ आर कार्ड ऑफ डेलीगेट, कि हम सब अ पार्ट ऑफ दिस टीम है गांधी सागर के प्रमोशनल एक्टिविटी का, उसके लिए है ये. एंड व्हाट एल्स इज देयर, वाओ दिस इज़ सो नाइस, इवोक एक्सपीरियंस की तरफ से है ये. एंड या दैट्स इट. तो ये सारी चीज़ें हैं इस क्यूट से फोल्डर के अंदर. हमें अभी बाहर जब हम जाएंगे जिप्सी में, तो हमें कार्ड पहन के और फिर जाना है. और रॉ कार्टिंग में क्या क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी. कल सागर ने और अनुश्री ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है वहाँ पे, सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर इट. और आप सबको भी साथ के साथ दिखाती जाऊँगी मैं कि क्या क्या है वहाँ पर. पूरा बहुत ही प्यारा उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें लग रहा था कि बहुत ही प्यारी जगह हम जाने वाले हैं. तो बस अब हम निकलते हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऋतुराज, वो आ जाए और फिर हम निकलेंगे. तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे पहुंचने में, तो सारी जिप्सी वगैरह निकल गई थी, बट दैट वाज गुड फॉर अस बिकॉज लास्ट में बची थी ये बस, एसी बस थी, तो इसलिए हमें तो सही रहा, लेट आने का हमें तो फायदा हो गया. अब ऐसा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो बेसिकली एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट है, वो अपोकैलिप्टिक रॉक शेल्टर है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रॉक शेल्टर है, रॉक पेंटिंग्स है वहाँ पर. पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक वो डेटिंग बैक करता है 12,000 टू 50,000 ईयर ओल्ड. सो अभी तक जो भीमबेटका है सर, मोस्टली सबको पता है जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, वैसे ही ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का. मैं बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, सो आपकी टूर में कोई खामी नहीं रहेगी, इसलिए मैं पीछे रुकी हूँ कि जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको एटलीस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं वहाँ ऑलरेडी, एक एक्सपर्ट है जिन्होंने ये पूरी साइट जब डिस्कवर हुई थी, पहला जो ग्रुप था जो आर्कियोलॉजिस्ट का, उनके साथ जो सर थे वो ऑलरेडी अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट आपको बता रहे थे वहाँ पे, और बस अभी हम जाएंगे सबके साथ अंदर और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है. मतलब पूरा ओपन एरिया है,
ये रहा, हमसे पहले जो जो लोग आए हैं वो इन सब गाड़ियों में आ चुके हैं। जैसा कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट थी तो इसलिए पूरा पहाड़ी टाइप का था, तो बहुत ही संभल संभल के यहाँ पे चलना था। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया था, देन पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें बनी हुई हैं, कितनी पुरानी हैं, सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन की और बहुत अच्छे से दिखाया। मैंने सारा कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें बनी हुई थी। हाँ, ये तो अपन बाद में देख लेंगे अगर यहाँ पे कुछ होगा तो। सुनो, रुको, यहाँ क्यों जा रहे हो? नहीं, यहाँ पे तो बैठे थे वो, शायद ऐसे ही वेट कर रहे थे। हाँ, अच्छा, नांगमुड़ी तो नहीं गई? यहाँ पे क्या दिखा रहे थे? अच्छा, पहले मुझे लगा कि कुछ है नहीं, देखो ना कितना बारीक बारीक चीज है ना। ये देखिए, ये है वो पेंटिंग, ये देखो ना कुछ इन्होंने ये बना रखा है। थोड़ा बारीक बारीक आगे जाके ब्रॉड होते जाएंगे। तो शेल्टर है कई हजार साल तक, सैकड़ों सालों तक काम में रहा होगा। अब ये जो गुल है, पपड़ी निकाली थी, कोई अपना आर्कियोलॉजिस्ट आया दिल्ली वाला, वो निकाल के लिए डेटिंग कराने के लिए, वो निकाल के लिए, वो निकाल के लिए। और इस पे अलग ही बुक बनेगी और अलग ही पीएचडी वर्क हो सकता है, रिसर्च कर सकता है, व्याधि कब मर्क कब क्यों कैसे किस के लिए। तो ये सारी चीज़ें, पेंटिंग्स जो की हुई थी, वो देखने के बाद हम लोग अपना ही फ़ोटोज़ एंड वीडियोस बनाने में लग गए थे। यहाँ पे हमें लगा कि फ़ोटो खींच रही बट एक्चुअल में वीडियो था। फिर हम यहाँ पे आए थे, जो भी यहाँ की चीज़ें थी उनसे रिलेटेड स्टैम्प्स बनाए हुए थे, तो वो स्टैम्प वगैरह हम अपने पेपर्स लेके उन पे एज अ मेमोरी उसको ले रहे थे अपने साथ में। तो ये चार पांच जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं वो हमने स्टैम्प यूज़ किए थे। एंड यू नो, यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली हैं उनको लेके जो अपना डाक विभाग है ना, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे भी स्टैम्प्स बनाई गई हैं, तो वहाँ पे भी बिकती हैं इनकी स्टैम्प्स। तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी वाटर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं 4 बजे से। तो मैं और सपना आए हैं, कुलदीप जी और ऋतुराज जी और चिया, ये लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा हम जाके आते हैं और कुछ शूट वूट भी करवाना था। तो इसलिए जो हमारा कोऑर्डिनेटर है सागर, उसका कॉल आ गया था कि लो आपका अच्छा सा शूट भी करवा देते हैं, तो इसे हम आ गए इनके। चलो ठीक है, फिर इनके साथ हम लोग इवनिंग में वापस से एक्टिविटीज़ कर लेंगे। और हमें आज हॉट एयर बलून भी करना है और एक और स्काई वाली एक्टिविटी है, वो भी हमने सोचा है कि हम आज करेंगे, नहीं हो पाई तो फिर कल करेंगे। तो ये मैं इस पे फर्स्ट टाइम बैठी हूँ और ये बहुत स्पीड में चलता है, स्पीड बोट इसका नाम है। आई वॉज लिटरली वेरी स्केयर्ड कि अंदर जाने के बाद, पानी के अंदर जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा, बट वही है, भगवान का नाम लेके मैं चली गई। क्योंकि ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो आप करना भी चाहते हो, थोड़ा सा डर तो लगता है। एंड इतनी स्पीड में लोग चलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चला लें, इतनी स्पीड में चलाते हैं तो लगता है अब मेरा हाथ छूटा, अब तो गड़बड़ हुई। वो करने के बाद हम आए थे, ये पूरा 6 to 7 सीटर वाला थिंग था, वहाँ पे हमने शूट कराया था। और फिर हमने ये किया था जिसमें दो लोग बैठ के खुद ही चलाते,
इसे शायद चप्पू बोलते हैं, चप्पू वाली बोट, मतलब स्मॉल बोट है ये, इससे चलाते हैं। तो उन्होंने हमें बैठा दिया। पहली बात तो हमसे बैठा ही नहीं जा रहा था नीचे। उसके बाद जैसे जैसे हम बैठे तो उन्होंने बोला अब जाओ। हमने कहा कोई नहीं आएगा हमारे साथ। थे नहीं, आपको खुद ही तो ऐसा लग रहा था कि यार पानी के अंदर, और इस पानी में, इस जो ये रिवर है चंबल रिवर, उसमें ये लोग हमें बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे मगरमच्छ भी है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार पानी में छोड़ दिया अब हमारा क्या होगा। डरते डरते हम लोग जैसे तैसे गए। आई वॉज लिटल फिर भी कॉन्फिडेंट, अपना तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत दिखाई और हम गए। और थोड़ा सा अंदर जाने के बाद मतलब मज़े आने लगे। फिर तो हम ऐसे करते हैं लेफ्ट राइट, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया अंदर जाने के बाद। फिर हम घूम फिर के आ गए थे, क्योंकि फिर कुलदीप जी का भी कॉल होने लग गया था, शायद चेयर होने लग गई थी, इसलिए फिर हम आ गए थे। वरना इसके बाद जाना था हमें जो स्काई एक्टिविटीज़ थी वो करने के लिए। बार बार कॉल आ रहा था वहाँ से भी, क्योंकि वो भी शूट करना था। बट फिर वही है ना कि नहीं जा पाए, क्योंकि छोटा बेबी जब साथ में होता है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स। तो हमने सोचा था कि एक बार उसको फीड वीड करा के चले जाएंगे, बट नहीं हो पाया है, तो वो हमारा मिस ही हो गया। लेकिन हमने हमारी वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी। करूँ चेंज करूँ क्या? अब वाटर एक्टिविटीज़ के बाद था टाइम बोट स्पा का। बोट स्पा में एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर सी, जैसे आप देख रहे होंगे पीछे एक डेकोरेशन कर रखा है बोट का, उसके अंदर बैठ के आपका स्पा मतलब लेग मसाज एंड शोल्डर मसाज ये सब किया जाता है। एंड मुझे यहाँ पे कौन मिला, अमित त्यागी जी, जो कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें वर्क कर चुके हैं, बहुत फेमस हैं। एंड ये अभी जब अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो एक वो था रिपोर्टर्स आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ पर एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट वो भी पहले न्यूज़ एडिटर या फिर रह चुकी है। तो उनके सबके उनके इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, तो उनमें से अमित त्यागी भी एक थे। तो उनकी बातों से मैंने फिर उनसे पूछा कि डू मतलब आर यू समवन वेरी फेमस, बिकॉज वो इस तरह से बात कर रहे थे ना तो लग जाता है। तो ही टोल्ड कि यस आई एम अमित त्यागी। तो फिर उसके बाद हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई। एंड ही वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। हम लोगों ने नंबर्स एक्सचेंज किए, देन ही फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम टू, एंड इट फील्स गुड कि कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच के भी इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ हो। और इनसे बातें बहुत लंबी हमारी चली, जितनी देर मेरा फुट मसाज वगैरह चला तब तक हमने काफ़ी लंबी बातें करी थी। और यहाँ पे अब ऋतुराज भी करा रहे हैं अपना स्पा, फुट स्पा, बहुत ही रिलैक्सिंग था। और ये देखो पूरा व्यू। और उसके बाद मैंने कराया फुट स्पा के बाद अपना शोल्डर मसाज, दैट वाज अगेन वेरी रिलैक्सिंग, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था है यार दबाए जाओ दबाए जाओ। बहुत ही मज़े किए हमने यहाँ पे। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे ग्राउंड में, जहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह ये सब लगती रहती हैं, देन अदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, गेम्स, बहुत कुछ था। मैं एक्चुअली बताऊँ ना, मैं पूरा कैप्चर कर ही नहीं पाई हूँ। मैंने शायद 50-60% भी पूरा इस जगह का कैप्चर नहीं किया होगा प्रॉपरली, वरना यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ थी। और उसका रीज़न एक ये भी था क्योंकि हम फर्स्ट डे ऑफ इनॉग्रेशन पहुँचे थे, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ में डिले हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ था। लाइक लास्ट ईयर इट वाज़ वेरी ग्रैंड, इस साल थोड़ा सा डिले की वजह से जब हम पहुंचे तब तक ही प्रिपरेशन। थोड़ा आगे लाओ ना, अभी भी अगर आपने देखा होगा वीडियोस में काफी पीछे से आवाजें आ रही थी, बस एक सेकंड वीडियोस डाले उन्होंने, क्योंकि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ था इस जगह का। अगर शायद हम 15-20 दिन बाद जाते या महीने बाद जाते तो ये जगह, अरे वो सब आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूं, ऑसम, और ज्यादा ऑसम था। अभी भी बहुत अच्छी, नो डाउट, सर्विस, एवरीथिंग वाज सो नाइस। आप बैठे रहना, उसके बाद तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। अरेंजमेंट्स वर सो नाइस, और जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, सागर ही वाज फीलिंग सो बैड, मतलब तभी हम उसके मज़े भी ले रहे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो। तो ही वाज सो मतलब वो ना कि सॉरी मैं पूरा अच्छे से अरेंजमेंट नहीं करा पाया, बट स्टिल वी एंजॉयड अ लॉट। और यहाँ पे चल रहा है कैमल के ऊपर ये शूट,
और उसके बाद आ गए थे हम डिनर करने के लिए, और डिनर टाइम में बहुत सारी वैरायटी होती थी एंड प्लस साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटीज़ क्या, जैसे सिंगिंग कोई कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ, सो दैट दे कीप यू एंगेज्ड एंड इफ इट्स लाइक मी दैट्स व्हाई. तो आज था शो मैजिशियन एडी करके हैं ये, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आज उनका शो था. तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपने हाथ की सफाई दिखा रहे थे, तो दे वर एंजॉयिंग दैट एंड एंजॉयिंग आवर डिनर टू. तो अभी कार्ड हमेशा के लिए यूनिक हो जाएगा ना, तो तीन बार टैप करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, 1, 2 and 3 एंड वो गायब हो जाएगा. सो एक्चुअली योर रिंग इज गॉन नाउ, सो दिस इज अ मैजिकल वॉलेट, आई टोल्ड यू ये रख सकते हो, आपके नहीं है वापस चाहिए आपका नहीं. एनीवेज आप लेके आए थे, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जा सकते हैं आप वापस चाहिए तो वो आप जाना वापस के लिए, देखते रहना आपके करना ये वापस चाहिए. सीरियसली आई थिंक आपके लिए इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होगी तो अमेजिंग होगा, और नहीं होगी तो और अमेजिंग होगा, फिर गायब होगा, फिर मैं वापस नहीं ला सकता. नहीं ऐसे लालच देना पड़ता लोगों को ताकि रिंग लेके आए. एक्चुअली यू नो मैं वॉलेट को ओपन कर देता हूँ, सो इसके अंदर एक और वॉलेट है, यू कैन सी राइट, सो इस वॉलेट को भी मैं ओपन कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस. सही बताओ इसके अंदर एक्चुअली एक और वॉलेट है, बस इस लास्ट वॉलेट को भी मैं ओपन कर देता हूँ. अभी भी होगा? नहीं एक्चुअली नहीं होगा. और इसके अंदर एक क्लॉथ है, यू कैन सी एक क्लॉथ फॉर दिस. सो ये रेड कलर का जो क्लॉथ है मिल जाए वो बहुत है, हम डबल छोड़वा. सो लुक लुक आई जस्ट ओपन द क्लॉथ जस्ट लाइक दिस स्लोली एंड योर रिंग इज राइट हियर इनसाइड. वाओ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, अब वो भी ये वाले थैंक यू सो मच, थैंक यू. और अब हम आ गए थे हमारे टेंट में, ऐसे मस्ती वस्ती कर रहे थे एंड यू वोंट बिलीव मैं टेंट का पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाना ही भूल गई. मुझे बाद में ध्यान है मैंने रील के हिसाब से बनाए हैं शायद, आई हैव टू सर्च दैट, अगर होगा तो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगी शायद. बट एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो यार टेंट का वीडियो बनाया ही नहीं, बट ठीक है इट्स ओके. आपको दिख रहा होगा टेंट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, वेरी नाइस एंड वॉशरूम था, ये पूरा टेंट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड वी इन्जॉयड आवर स्टे वेरी मच एंड होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा मेरा ये वाला वीडियो. अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आई कैन सी आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग.